बिजनौर पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब चिटफंड का नाम करोड़ों रुपए की रकम हड़पने वाले फरार आरोपी को पुलिस ने जयपुर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद आरोपी को जयपुर से बिजनौर लाया गया। बिजनौर पुलिस ने आरोपी को अपनी कस्टडी में ले लिया है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी विदेश भागने की फिराक में था, उसी दौरान पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पिछले कई महीनों से फरार चल रहा था। 12 जनवरी को थाना नगीना पर एक अल्फैजान मुस्लिम फंड नाम का ट्रस्ट से ने काफ़ी लोगों का पैसा लेके भागने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसमें मुख्य आरोपी जो फैजी करके था, जो मुख्य आरोपी था, जो इस ट्रस्ट को संचालित करता था और ट्रस्ट का पूरा देखरेख करता था, वो कल सऊदी अरब से आया और जयपुर एयरपोर्ट पर, चूँकि हम लोगों द्वारा लुकआउट करना नोटिस पहले से जारी की गई थी, वहाँ पे पकड़ा गया। जयपुर एयरपोर्ट द्वारा हमको सूचना दी गई आज सुबह। बता दें कि आरोपी मोहम्मद फैजी बिजनौर के नगीना में अल फैजान मुस्लिम फंड लिमिटेड नाम के चिट फंड कंपनी चला रहा था, जो मुस्लिमों के पैसे शरिया कानून से जमा करने के लिए जाना जाता था। आरोपी पिछले 5 साल से मुस्लिम चिटफंड चलाता था। शरिया कानून के मुताबिक ब्याज हराम है, इसी के चलते कई मुसलमानों ने अपने पैसे फैजी के पास जमा करा रखे थे। ज्यादा से ज्यादा पैसे जमा करवाने के लिए आरोपी ने कुछ एजेंट भी नियुक्त किए थे। जमा की गई राशि करोड़ों में थी, तो वहीं करोड़ों रुपए की रकम को फैजी हजम कर गया और चिटफंड को बंद करके फरार हो गया था। अब तक लगभग 170 लोगों ने मोहम्मद फैजी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। तो वहीं लोगों की माने तो आरोपी ने अपना मकान बेचकर विदेश भाग गया है। तभी से बिजनौर पुलिस आरोपी फैजी को आसपास के राज्यों में तलाश कर रही थी। आज पुलिस ने कामयाबी हासिल करते हुए जयपुर से गिरफ्तार कर लिया और अब इस मामले में पुलिस को बाकी आरोपियों की भी तलाश है। बता दें कि इस्लामी कानूनों में जमा पूंजी पर ब्याज कमाना गैर इस्लामी करार दिया जाता है, इसी के चलते कई मुस्लिम परिवार बैंकों में पैसा जमा नहीं करते। इन लोगों को ऐसे संस्थानों की तलाश रहती है जो ब्याज फ्री हो। इसी सुविधा को दिलाने के नाम पर कुछ निजी संस्थाएं सक्रिय हैं। इन्हें ही मुस्लिम फंड बैंक कहा जाता है। बिजनौर में मुस्लिम आबादी 43% से ज्यादा है। इसके साथ ही आसपास के जिलों में भी मुसलमानों को अच्छी खासी आबादी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बिजनौर से गौरव की रिपोर्ट।